अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन दरगाह हाजिरी खिदमत है हाजी मलंग दरगाह से। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा था, वो तो सिर्फ़ एक सफ़र का था। सुबह हो गई, मैंने आपसे कहा था फजर की नमाज़ के बाद इंशाल्लाह सारी ज़्यारतें आपको कराऊंगा, तो तैयार हो गया मैं बाहर निकलने के लिए। तो चलिए आइए, सबसे पहले हाजी मलंग सरकार की बारगाह की ज़्यारत करते हैं, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी मुझे ज़्यारत आपको कराना है। तो एंड तक का वीडियो देखते रहिए इंशाल्लाह, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलिए नीचे उतरते हैं। नाश्ता करने के लिए बैठ गया, बहुत भूख लग रही थी। कल रात से कुछ नहीं खाया था मैंने, कल दोपहर से मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि रास्ते में कुछ मिला ही नहीं खाने के लिए। और अभी ज़्यारत आपने भी की है अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर की शूटिंग अलाउड नहीं है। इसके बाद में इंशाल्लाह मैं अच्छे से मजार शरीफ की ज़्यारत कराऊँगा। जो मेरा रूम है, जिस रूम में मैंने रुका था, तो वहाँ से मजार शरीफ दिखती है, तो मैं वहाँ से इंशाल्लाह आपको ज़्यारत कराऊँगा मजार शरीफ की। तो अभी भूख लग रही है, मैंने ऑर्डर किया पूड़ी भाजी, जो 25 रुपये प्लेट है, 4 पूड़ी आती है, 2 प्लेट ऑर्डर किया हूँ। तो नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह आपको निकलेंगे 5 पीर और कमली शाह बाबा, बहुत सारी दरगाह है, तो नाश्ता कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, पहाड़ पे भी इतनी अच्छी पूड़ी भाजी मिलती है, मैंने सोचा नहीं था, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। भाई साहब चाय में नहीं, ये ख़त्म हो जाए। चाय आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, अब चाय पी लें उसके बाद में चलते हैं। अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह डन, नाश्ता डन, चाय डन। कितना हो गया चाचा आपका? हो गया 60। अच्छा, ये जो सामान है, आलू है, पूरा है, तो कितना ऊपर आता है? सर तो खा गया मतलब रोड डेली का या? हाँ, रोड। आप जाएंगे तो आने वाले बोला लेके आने वाले मिलेंगे आपको। अच्छा, हाँ तो आप वीडियो बना सकते हैं। हाँ तो वही बना रहा हूँ। असल में क्या, हम लोग पूरी दरगाह पे विजिट करते हैं, दुनिया में जितनी भी दरगाह है,
तो लोगों को दिखाते हैं यूट्यूब अब यहाँ पे जो है कि मतलब कहने का कि कुछ आप लोगों को जैसे कि आप लोग जैसे लोग आते हैं यहाँ पे तो आपको महंगा जैसे कि अपनी कैंट से यहाँ महंगा समझ में आता है कि भाई 2-5 रुपये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा होने के कारण यही है जो बोझे बोझे आते हैं सर पर उठाते हैं तो उनका जो है कि बोझे का हमारी है मजदूरी है बराबर। अब एक जो है कि गोनी अगर लेके आएंगे बटाटे की 50 किलो का तो उनको 400-500 रुपया देना पड़ेगा, हमारी देना पड़ता है, तो अब हमको उसी पर जोड़ना पड़ेगा खाने के ऊपर। अच्छा, इसके लिए महंगा समझ में आता है। खान होटल आपके होटल का नाम जी। तो नाजरीन, आप जब भी यहाँ पे हाजी मलंग सरकार की बारगाह में आएंगे तो खान होटल यहाँ भी है दरगाह के सामने, तो यहाँ पे विजिट करना। रीजनेबल प्राइस, नॉट बैड, 25 रुपये प्लेट पूरी भाजी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, और खाना भी बहुत अच्छा है, 10 रुपये की चाय है। और क्या चाहिए, पहाड़ के ऊपर आके आपको ये सब मिल रहा है। मुझे तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन इतना महंगा भी नहीं है। 100 रुपये दे रहा हूँ और उसमें से वो मुझे रिटर्न करेंगे। 50 रुपये की पूरी भाजी है, 10 रुपये की चाय है, तो भर गया पेट। अब निकलेंगे 5 पीर सरकार की बारगाह में, उसके बाद में कमली शाह बाबा है और बहुत सारी ज़्यारत है। आप इधर से जाएंगे, आगे जाके 2 रास्ते हैं। अच्छा, वहाँ से आपको जो है कि कमली शाह बाबा सीधा रास्ता जाएगा। हाँ, तो वो कहाँ पे? एकदम लास्ट में 5 पीर। 5 पीर एकदम सीधा सीधा, उसके आगे रास्ता नहीं है। अच्छा, फिर आपको रिटर्न आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, रिटर्न आएंगे तो बाबा का पालकी है उधर। अच्छा, मैदान है। कमली शाह सरकार कहाँ पे? हाँ, तो आप वहाँ पे जो है कि मैदान में आएंगे तो वहाँ पे पालकी बना हुआ है। अच्छा, तो वहाँ से जो है कि आप सीधे हाथ से ये रास्ता छोड़, समझ गया समझ, वहाँ से वो रास्ता पकड़ेंगे तो आपको कमली शाह बाबा घोड़े का टाप, जो कि बाबा आए थे घोड़े का टाप चश्मा जारी हुआ था। हाँ, हाँ, हाँ। आपको वो जगह मिल जाएगी। हाँ। फिर वहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी गली में घुसेंगे दरगाह पे आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, शुक्रिया चाचा, इतना गाइड कर रहे हैं मुझे कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो बस अल्लाह पाक हाजिरी कबूल करे। उसके बाद में इंशाल्लाह निकलेंगे घर की तरफ रवाना। और शुक्रिया चाचा, इधर से जाएंगे तो आगे आपको एक बोर्ड मिलेगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है जुल्फिकार अली। जुल्फिकार अली, तो जुल्फिकार अली भाई से ज़रूर मिलेगा यहाँ पे आके। और खान खान होटल, खान होटल नाम है होटल का। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मिलके। और यकीन मानना, जब मैं कल्याण स्टेशन उतरा, ठीक है, तो वहाँ पे रिक्शा वाला भी मुझे इतना अच्छा मिला कि उसने डायरेक्टली, मतलब ज़्यादा मुझे ऊपर चढ़ना नहीं पड़ा। समझ जाइए कि 10% 20% तो बंदे ने ही जो है वो चढ़ा दिया था। उसके बाद में रूम वाला भी माशाल्लाह बहुत अच्छे मिले, जावेद भाई जिनका नाम है। फिर उसके बाद में जब नाश्ता करने के लिए नीचे उतरा तो आपने देखा ही, जुल्फिकार अली भाई जो खान होटल है उनका, तो क्या अल्लाह नज़ारा, आप नज़ारा देख लें यहाँ के, कितने कितना फॉग है। और मैं आगे से आपको दिखाऊंगा नज़ारा, यहाँ से आपको बराबर नहीं दिखेगा क्योंकि पूरा फॉग फॉग है हर तरफ। मैं अभी 5 पीर के लिए रवाना हो रहा हूँ, जो कि मैंने नीचे से बताया था ना कि यहाँ जाएंगे, वो पहाड़ का एकदम कॉर्नर है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद में एंड है, फिर वहाँ पर रास्ता नहीं है, फिर यहाँ से हमें वापस आना है और भी बहुत सारी ज़्यारत करना है। तो चलते रहिए 5 पीर सरकार की बारगाह में। देखा आपने कितना प्यारा नज़ारा है माशाल्लाह, और पूरा फॉग है, पहाड़ तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। और जो मेन चीज़ जो थी ना यहाँ पे पहाड़, उसका नाम है देवनी, और ये पीछे ही है वो, लेकिन कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि फॉग से पूरा ढक चुका है। अब इंशाल्लाह यहाँ की हवा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रही है, हवा भी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, हल्की हल्की धूप भी आ रही है, क्लाइमेट ऑसम क्लाइमेट है, और हवा की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी शायद, कुत्ते भौंक रहे हैं मुझे देख के। मैं इधर का ही हूँ यार, मैं कुत्ते भौंक रहे हैं, अरे इधर का ही हूँ। नाज़रीन, अब आ गया सबसे ख़तरनाक रास्ता जो कि मेरे सामने है, और यहाँ से खड़े होकर मैं आपको उसका व्यू बताऊँगा। खैर अल्लाह आसानी करें। और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता, ये नहीं, ये तो पत्थर है, ये जो यहाँ से उतरा मैं, ये देखो नीचे क्या है पता है? नीचे ये है, नज़र आ रहा होगा आपको खाई, और साइड में सपोर्ट के लिए बस ये है। चलिए संभाल संभाल के चलते हैं, शायद मुझे यहाँ पे वीडियो स्टॉप करना चाहिए क्योंकि रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है।
संभाल के उतरता हूँ मैं। उतरते हैं अल्लाह का नाम लेके, संभाल संभाल के। बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता है और नीचे खाई है। या अल्लाह, साथ में पीछे कुछ भाई भी हैं जो पांच पीर जा रहे हैं। पांच पीर जा रहे हो? अच्छा, या अल्लाह, स्लीपी पत्थर है। बाइक के सारे चलो पिसलने वाला पत्थर है। मुझे तो इसलिए बोला हूँ पकड़ के चलो। यार स्लीपी पत्थर है, वीडियो स्टॉप करते हैं। वो खतरनाक रास्ता पार हो गया, लेकिन ये भी खतरनाक ही है। सब खत्म। ये पांच पेड़ का रास्ता बहुत डेंजर है। यहाँ पे आना तो संभाल संभाल के चलना, क्योंकि बारिश का टाइम है, स्लीपी पत्थर है, नीचे पूरी खाई है। देखो सो इतनी इतना कॉर्नर है, बाकी सब पूरा पहाड़ है, नीचे खाई है। इतना सा पतला रास्ता है, उसी से सब चल चल के यहाँ पे आते हैं। ये भाई यूपी से आए हैं। यहाँ खाई, यहाँ पहाड़, बीच में है रास्ता। ये भी पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं हम लोग, एकदम कॉर्नर पे। अब मैं आपको नीचे से बताऊंगा कि ये वीडियो कहाँ का है। उस वक्त आपको यकीन नहीं होगा कि मोहसिन भाई इतने ऊपर चढ़ गए थे। अभी आपको नीचे से दिखाऊंगा मैं। जब अल्लाह का वली बुलाता है ना, तो कैसे भी करके बुला ही लेता है। ये कुछ चीज़ है, शायद इसकी भी इजाज़त करते हैं। आइए नाज़रीन, ये बीच में जगह पड़ी है जो कि आप देख रहे हैं, एकदम पूरा पहाड़ है। और ये पहाड़ का जो है नीचे का हिस्सा है, और ये नीचे आप देख रहे हो अल्लाह की कुदरत। यहाँ पे आई थिंक कॉइन चिपकाते हैं। हाँ बाबा बुलाए तो पहाड़ पर खाली घूमने के थोड़े आए। हाँ सही बात है। अरे कितना दूर थे हम लोग, रात भर आज सोए नहीं। और एक बात है नाजरीन, पाँच मिनट में तैयार हो के आ जाए बेशक, नहीं तो बरसों सोचते बैठो घर। तो क्या कितने तो दुनिया ही छोड़ के चले गए सोच सोच के। नहीं आऊंगा जाओ नाजरीन। ये था इलाके जो कैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग सिक्का चिपकाते हैं। और ये जो बाबा खड़े हैं, इन्होंने कहा कि मतलब कोई अगर दिल में तमन्ना है या मन्नत है तो वो लेके जो है ना सिक्का चिपकाओ। तो एक भाई का तो सिक्का चिपक गया, मैंने चिपकाया लेकिन मेरा नहीं चिपका। तो अब इसे क्या किस क्या नाम दें, ये सब अल्लाह की, अल्लाह ही बेहतर जाने। ठीक है, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, बहुत पतला रास्ता है और नीचे ये पूरी खाई है। अब बस थोड़ा सा एरिया और बाकी है पांच पीर सरकार जाने का। ये ना पहाड़ के ऊपर हूँ एकदम टॉप पे, मैं आपको आगे से दिखाऊंगा। जो पहली दरगाह हम लोग गए थे ना हाजी बख्तावर शाह बाबा, वो दरगाह देख के इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा यहाँ से। और आपको यकीन नहीं आएगा कि मोहसिन भाई इतना ऊपर चढ़ गए। मैं भी देखा, मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ। तो आपको दिखाता हूँ हाजी बख्तावर शाह बाबा की दरगाह। तो दोस्तों ये जगह है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इतना हिस्सा। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, यहाँ से ही सब स्टार्ट करते हैं। वो भाई ने, ये जो आप रोड देख रहे हैं यहाँ से, वो भाई चढ़ने का स्टार्ट किया। हाँ नहीं, लेकिन वो भाई ने मुझे यहाँ पर ला के छोड़े थे रिक्शा से। हाँ यहाँ से, हाँ हाँ तो ये जो जगह है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था चढ़ना, चढ़ते 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 चढ़ते। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि पहली दरगाह पे ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये रास्ता है। और ये है हाजी बख्तावर शाह बाबा की दरगाह। शायद दिख रही होगी आपको क्योंकि फॉग है सामने। ये है दरगाह, ये पहली दरगाह है जहाँ पे हम लोग गए थे हाजी बख्तावर शाह बाबा। और उसके बाद में एकदम टॉप पे यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आ गया मैं भी। तो नाजरीन मतलब
आठ माला दस माला भी अगर इंसान चढ़ता है ना तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के और यहाँ पे कॉर्नर पे हम लोग खड़े हैं, उसके बावजूद भी ज़रा भी थकान नहीं हुई। और बस सरकार का करम था, हाजी अली साहब, हाजी मलंग बाबा का करम था जो पहाड़ चढ़ गए। अब जा रहे हैं पाँच पीर के रास्ते पे पहाड़। ये देखो, ये एकदम पहाड़ का कॉर्नर है। मैंने नीचे से आपको बताया था कि यहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह। एकदम कॉर्नर है, एकदम टॉप नोक है पहाड़ की। और हाजी पाँच पीर सरकार एकदम लास्ट में है, तो वहाँ का मंज़र आपको बताऊँगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। मैं अकेला हूँ लेकिन फील ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ पे मैं अकेला हूँ। देखो ये रास्ते से मैं चल के आया पीछे से, और अभी एकदम लास्ट चोटी मुझे पहाड़ की नज़र आ रही है, बस उसके आगे का रास्ता नहीं है। वहीं पर ही है पांच पीर सरकार की दरगाह। तो चलिए चलते हैं। ये जो देख रहे हो पीछे सीढ़ी, यहाँ से आपका भाई उतर के आया। चढ़ने में हालत ख़राब हो सकी उतरने में पता नहीं चलता, लेकिन चढ़ने में ना हालत ख़राब हो जाती है। देखो भाई लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, पूरा पहाड़ के एकदम चोटी पे खड़ा हूँ। और ये पहाड़ का नज़ारा आप देख सकते हो, ये एकदम कॉर्नर है। ये भी बहुत ऊँचा पहाड़ है, आपको ऐसा लग रहा होगा छोटा पहाड़ है। और यार यहाँ पे भी बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे फॉग से नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा लेने की वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम लोग पांच पीर दरगाह की सामने, और दरगाह शरीफ मेरे सामने ही है। और पहाड़ एंड हो गया एकदम एकदम कॉर्नर पे है। देखो अल्लाह वालों की शान, हाजी मलंग सरकार एकदम पहाड़ की ऊपर, और हाजी मलंग सरकार से भी ऊंचा वो है दादी माँ की मज़ार, बहुत ऊंचा है वो। और वहाँ पे जाना रिस्की है, वहाँ पे कितने सारे लोग गए हैं तो फ़ोटो के चक्कर में जो है ना वो नीचे गिर गए। और ऐसी सी करामात हुई है यहाँ पे, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। देखो अगर फ़ोटो वगैरह के चक्कर में आप रहे और यहाँ खाई में खड़े रहे तो जाहिर सी बात है गिरोगे, और उसके बाद में आपकी खुद की वो है। तो अगर अल्लाह ना करे अगर गलती से ऐसे पैर फिसल गया या कुछ हो गया, तो ये मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, वो बंदे को कुछ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे दो से तीन वाक्या ऐसे हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, फिर आपको भी बिलीव नहीं होगा उस पर, लेकिन यकीन करना हकीकत है। और देखो आप पहाड़ की चोटी पे खड़ा हूँ, ये एकदम टॉप का हिस्सा है, और माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कश्मीर में हूँ पीछे देख के। लेकिन कश्मीर नहीं है, ये कल्याण है, और कल्याण से बहुत दूर एक गाँव है मलंग, जहाँ पे बसे हैं हाजी मलंग। आ गए हम लोग पांच पीर सरकार की बारगाह में, और चलो भागते हैं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, स्लीपी पत्थर। साइलेंट जोन है, एकदम साइलेंट इलाका है, ना ज़्यादा रश है ना ज़्यादा कोई चिल्लम पुकार है। चलो बाबा के निकालते हैं। आ गए पांच पीर सरकार की बारगाह में, और चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मालिक है तू ऐ खुदा, दोनों आलम का मालिक है तू ऐ खुदा, मेरे मौला तेरी बात ही और है, मेरे मौला तेरी बात ही और है, दोनों आलम।
तो नाज़रीन ज़ियारत मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, वो पांच पीर सरकार की बारगाह में, वो पहाड़ का एकदम एंड हिस्सा था और अब उसी रास्ते से जा रहा हूँ। देख सकती नहीं तुझको कोई नजर, रूबरू सबके मौजूद है तू मगर देख सकती नहीं तुझको कोई नजर। नाज़रीन इसे कहते हैं हाथ का पंजा, ये आपको शायद नजर आ रहा होगा हाथ के पंजे की तरह, ये हाथ का पंजा है। तो यहाँ पे भी कोई कैद है इस पहाड़ के अंदर, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये आपको नज़र आ रहा होगा शायद हाथ का पंजा, और उसके ऊपर काफ़ी फॉग है। अभी फॉग हटा तो मैंने फौरन शूट कर लिया, और देख सकते हो कितना भारी क्लाइमेट हो गया यहाँ का, बादल बादल बादल, और ये देवनी पहाड़ तो नज़र ही नहीं आ रही है। नाज़रीन वापस इस रास्ते से जहाँ से पांच पीर के लिए आए थे, वापस मैं रवाना हो रहा हूँ कमली शाह सरकार की बारगाह में। हालांकि मतलब पहले कहते हैं कि यहाँ पे हाज़िरी देना चाहिए, उसके बाद में कमली शाह सरकार जाना चाहिए, इसके लिए सब लोग पहले यहाँ आते हैं, उसके बाद में जो है कमली शाह सरकार की बारगाह में जाते हैं। वो उसका वो जाने का रास्ता अलग है, और वहाँ पर रवाना हो रहा हूँ इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत मंज़र, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया यहाँ का। ये वही खतरनाक जगह पर चढ़ रहा हूँ, हाथ दुखने लगा कैमरा पकड़ते पकड़ते। आपको नात नहीं सुनाया मैंने काफ़ी टाइम से, अब मेरा दिल भी बहुत कर रहा है बहुत नात पढ़ने का। तो यह आइए यहाँ पे कहीं बैठते हैं, फिर मैं आपको एक नात सुनाता हूँ, फिर निकलते हैं। आवाज़ आ रही है किसकी, अल्लाह। तो यहाँ पे मैं आपको नात सुनाता हूँ। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ जहाँ से आए थे वहाँ पर जा रहा हूँ। उतरते टाइम सांस नहीं फूल रही थी, लेकिन अभी सीढ़ी चढ़ते टाइम जो है ना हालत ख़राब हो गई। अब चलो थोड़ा सा रास्ता बाकी है, दो तीन ज़ियारत और बाकी है। नाज़रीन ये कुआं मेरे सामने नज़र आया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसे शेर का कुआं कहते हैं, शेर जो कि यहाँ पे शेर पानी पीने आते हैं, और यहाँ वालों का कहना है कि अभी भी आते हैं यहाँ पे शेर पानी पीने के लिए। और यहाँ पे शेर का तो ऐसा कनेक्शन है, मतलब खौफ वाला नहीं, पहले एक शेर आता था हाजी मलिक सरकार की बारगाह में दरबार की झाड़ू लगाने के लिए, और अब तो ना जाने कितने शेर इस खाई में हो गए हैं, और ना कितने लोग हाजी मलिक सरकार की खिदमत करते हैं। देखो ये पहाड़ हल्का हल्का मुझे नज़र आ रहा है देवनी में, ज़ूम करके बताता हूँ। ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये इस पहाड़ के अंदर रानी कैद है,
और उसके बाजू में जो है वो उसके अंदर राजा कैद है। असल में ये दोनों जादूगर थे और हुजूर हाजी मलंग सरकार पर जो है वो जादू कर रहे थे। तो हाजी मलंग सरकार को बहकाने के लिए इन दोनों ने अपनी बेटी को हाजी मलंग सरकार की बारगाह में भेजा था बहकाने के लिए, क्योंकि इनकी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो इनको लगा कि हाजी मलंग सरकार उसके जाल में फंस जाएंगे, मगर हाजी मलंग सरकार ने इनकी बेटी से बेटी का नाम दिया और फातिमा कह के इनकी बेटी को पुकारा कि आओ फातिमा यहाँ पे बैठो। तो माशाल्लाह आज तक हाजी मलंग सरकार के बाजू में बीबी फातिमा की मज़ार है, और वो भी इनकी बेटी थी ये जो पत्थर में कैद हैं। मगर कहते हैं ना, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो हाजी मलंग सरकार ने उन्हें अपनी बेटी का नाम दिया और फातिमा कह के पुकारा। हाजी मलंग सरकार के जस्ट बाजू में ही बिल्कुल उनकी बेटी की मज़ार है जिनका नाम है बीबी फातिमा, और वो इनकी बेटी थी। लेकिन आप देख रहे हैं इनका हाल क्या है, और वो वली की हो गई तो उनका हाल क्या है, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ घोड़े के टाप का पानी, जो कि हाजी मलंग सरकार यहाँ पे आए थे तो ये तो एक ही हिस्सा है। जब हाजी मलंग सरकार यहाँ पे आए थे तो चार तिहाई लोग कहते हैं चार तिहाई था, यानी कि इसका ट्रिपल, और तो ये तो एक ही हिस्सा बचा है जो कि एक हिस्सा हम चढ़ के आ गए। जब हाजी मलंग सरकार यहाँ पे आए थे तो तीन हिस्सा और था, यानी कि चार चौथाई पूरी थी। तो हाजी मलंग सरकार को वज़ू के लिए पानी चाहिए था, तो और हाजी मलंग सरकार ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो एक घोड़ा आया जिसका नाम था दुलदुल। तो हाजी मलंग सरकार उस पर सवार हुए और दुलदुल पहाड़ पर चढ़ते गया हाजी मलंग सरकार को अपने ऊपर बिठा कर, और आखिरी में दुलदुल ने भी जो है वो दम तोड़ दिया। फिर उसके बाद में जहाँ पे दुलदुल का पैर लगा था वहाँ से हाजी मलंग सरकार ने एक अपना असा मारा और वहाँ से पानी का चश्मा निकलने लगा। फिर हाजी मलंग सरकार ने उस पानी के चश्मे से वज़ू किया। तो आइए उसी की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आ गए हम लोग घोड़े के टाप के पानी के पास। सामने ही है घोड़े के टाप का पानी, उसके बारे में मैंने आपको शॉर्टली मैं बताया, इंशाल्लाह डिटेल में अभी बताऊंगा वो कैसे निकला और क्यों निकला। तो माशाल्लाह पहुंच गए वहाँ पे भी, और यहाँ बंदर भाई लोग बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ भी है। तोड़ कर रख दिया ख्वाब शहदाद का, गर्क फिरौन को नील में कर दिया। तोड़ कर रख दिया ख्वाब शहदाद का, गर्क फिरौन को नील में कर। तो नाज़रीन, देखा आपने घोड़े के टाप का पानी, चश्मे का पानी मैंने पिया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग पीते हैं वहाँ पे, और मैंने आपको ज़्यारत भी कराया उस जगह की जहाँ पे घोड़े का पैर पड़ा था और हाजी मलंग सरकार ने अपना असा मारा तो वहाँ पे चश्मा निकल गया। अभी तो बहुत बड़ा उन लोगों ने खोद के बना दिया, वरना पहले इतना सा था जो कि घोड़े का जो पंजा होता है, तो उन लोगों ने अभी खोद के और बड़ा बना दिया उसको। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, कमली शाह सरकार की बारगाह में, तो चलिए चलते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं निकल रहा हूँ हुजूर कमली शाह सरकार की बारगाह में, और जो गुफा के एकदम अंदर है वहाँ पे सांप उनकी खिदमत करते हैं और हाजी मलंग सरकार की शेर खिदमत करते हैं। अल्लाह वालों की शान देखो कि सांप, बिच्छू, शेर सब के सब अल्लाह वालों की गुलाम हैं, वलियों के गुलाम हैं। और यहाँ पे बंदरों का जो है ना वो है, क्या कहते हैं उसे, ठिकाना। इतने बंदर हैं यहाँ पर जो कि आपने देखा, बहुत बंदर है। वहाँ दरगाह के पास तो बहुत बंदर थे, यहाँ पे कमली शाह सरकार वो गुफा के अंदर है। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे वीडियो बनाना जो है पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अगर वहाँ पे पहुँचा, अगर वीडियो हो सका तो वहाँ पे बनाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे एकदम झुक के जाना पड़ता है, एकदम छोटी सी जगह है, और मज़ार शरीफ एकदम अंदर है गुफा के अंदर, वहाँ भी जाऊँगा इंशाल्लाह। वरना अगर अलाउड होता ना वहाँ पे रास्ता होता तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको वहाँ पे लेके चलता और ज़्यारत कराता, लेकिन दूर से हम लोग ज़्यारत करेंगे। नाज़रीन, ये आखिरी ज़्यारत है हुजूर कमली शाह बाबा की, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। कमली शाह सरकार की बारगाह में जा रहा हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है, अकेला हूँ, और बस शायद से लग रहा है कि पहुंचने वाला हूँ।
हाँ पहुँच गया, सामने ही है नाज़िम। ये पहुँच गया मैं हुजूर कमली शाह सरकार के बारगाह में। ये पहाड़ के अंदर है सरकार का, वो बारिश हो रही है, मैं बस आपको दूर से दिखा रहा हूँ। तो ये अंदर है, यहाँ से एकदम अंदर जाना होता है, एकदम अंदर। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं। नाज़िम निकल गया कमली शाह सरकार के बारगाह से, और अभी आपको बताना है मुझे हिस्ट्री। स्पीकर में बज रही है कवाली, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मज़ार शरीफ थी। मैं आपको बताता हूँ मज़ार शरीफ कैसी थी। यहाँ पे फ़ोटो है, ये तो बहुत ऐसी दिया है, लेकिन मज़ार शरीफ बहुत अंदर थी। नाज़िम ये दादी माँ की मज़ार यहाँ से दिखाते हैं लोग दूरबीन से, क्योंकि दादी माँ की मज़ार इस तरह का, जो आप देख रहे हो ना हाथ का पंजा, वहाँ पे बना हुआ है। दादी माँ की मज़ार बहुत दूर है, तो मैं भी देखता हूँ कैसा दिखता है। खाली इसको पकड़िए मत, इसको एक हाथ में हाथ रख के थोड़ा सा पीछे कंफर्टेबल होके देखिए जी। देखिए दादी माँ की दरगाह है, और हम 4 घंटे लग जाते हैं। झंडा उसके नीचे चौखट है, देखिए ये चौखट माँ साहब के मतलब मज़ार उसी में है, बिल्कुल झंडे के पास है। हाँ आप भी देख लीजिए, फिर मैं एक जगह घुमा। मैंने ज़ियारत कर लिया दादी माँ की मज़ार है, दादी माँ की मज़ार है। तो ऐसा घुमाइए ना दादी माँ की मज़ार। पहाड़ की तरफ है एकदम, जो कि 4 घंटे लगते हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो नाज़िम निकल गए मैं ये रीगल गेस्ट हाउस से, दरगाह शरीफ मज़ार शरीफ मेरे सामने ही है। और ये हमारे भाई जावेद भाई, जो बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह इन्होंने मुझे, और यहीं के ही होटल में मैं ठहरा हुआ था यहाँ पे रीगल गेस्ट हाउस में। तो यहाँ से निकल रहा हूँ इंशाल्लाह, और जावेद भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा। तो जब भी आप यहाँ पे आओगे हाजी मलंग सरकार की बारगाह में, तो यहाँ पे ज़रूर आके विज़िट करना, बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, किसी बात की परेशानी नहीं। और जावेद भाई से अगर बोलोगे कि मोहसिन भाई के थ्रू हम लोग आए हैं, तो और अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए रवाना होते हैं, एक आखिरी सलामी मैं आपको भी दिखा देता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ, उसके बाद में मिलते हैं घर पे। नाज़िम निकल गया मैं घर के लिए, पीछे दरगाह शरीफ है। नाज़िम ये मार्केट लगती है, यहाँ पे होटल वगैरह सब है, रूम वगैरह भी सब है, और जो जितने लोग से भी मिला माशाल्लाह बहुत मोहब्बत से उन लोगों ने नवाजा, और बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, रिक्शे से लेके घर तक, और बहुत अच्छा। तो निकल रहा हूँ, अभी उतरने में इतना टाइम नहीं लगेगा, उतरने में मेरे ख्याल से यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैं उतर जाऊंगा। फिर उसके बाद में इंशाल्लाह नीचे से रिक्शा करना है और कल्याण स्टेशन पहुंचना है, कल्याण स्टेशन से कुर्ला जाना है, फिर कुर्ला से जो है वहाँ पे घर की तरफ रवाना होना है। नाज़रीन उतर रहा हूँ, उतरने में इतना पता नहीं चल रहा है। अब मेरे सामने आ गया वो गेट जो लिखा था ना हाजी मलंग ट्रस्ट स्वागतम, अब यहाँ पे लिखा है धन्यवाद। धन्यवाद। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं वो स्टेशन बन रहा है, अभी ट्रेन का काम चालू है, गवर्नमेंट ने अभी तक पास नहीं किया है, क्योंकि ऊपर तो जा सकती है लेकिन नीचे आने में थोड़ी सी रिस्की है, इस वजह से अभी तक उसे पास नहीं किया गया। ऊपर मस्जिद का काम चालू है, ये ट्रेन का काम चालू है। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेन चलेगी इंशाल्लाह, फिर उसके बाद में चढ़ने में आसानी हो जाएगी। अभी तक पूरा काम हुआ नहीं है, अभी तक चालू है काम। उतरते रहो, उतरने में इतनी थकान नहीं होती,
कब से उतरा हूँ और बस जल्दी 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 उतरते रहो, उसके बाद में नीचे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम, एक घंटा भी नहीं लगता उतरने में, और सब उतरते उतरते एकदम जल्दी जल्दी उतर जाते हैं। राजा उतरते उतरते पहली दरगाह तो आ गई, बहुत जल्दी आ गई, 10-15 मिनट में पहली दरगाह। अब नाजिम वो जो पांच पीर की बारगाह में हम लोग गए थे वो इस जगह पे था। ये देखो उतरते उतरते मैंने आपको बताया, ये जो कॉर्नर जो आप देख रहे हैं ना हिस्सा, पांच पीर सरकार ये है। और मैं आया कहाँ से तो पता है, ये रास्ते से आया था। सरकार की इतनी करामातें हैं, मैं आपको कितनी करामातें बताऊं। यहाँ पर जब मैं आया तो काफ़ी सारे लोगों ने, यहाँ के जो खादिम हैं उन लोगों ने भी मुझे कितनी सारी करामात बताई कि आज से गालिबा 5 या 10 साल पहले ये पहाड़ से, ये जो देवनी पहाड़ है मेरे पीछे जो आपने देखा, वो पहाड़ से नाजरीन एक बहुत बड़ा पत्थर, यानी कि 1000 किलो का लगभग उसका वज़न ये लोग बताते हैं अंदाजे से, तो वो पत्थर बहुत बड़ा था। और अगर वो ऊपर से गिरता तो सीधे हाजी मलंग सरकार की बारगाह में आके मतलब वो गिरने वाला था और सब तबाह कर देता था। मगर हाजी मलंग सरकार का करम है ये और अल्लाह की कुदरत है ये कि वो पत्थर एक मैदान में गिरा और मैदान में ही वो पत्थर वहाँ पे रुक गया और एक भी जो है ना किसी बंदे को तकलीफ़ नहीं पहुँची। और एक खादिम ने कहा कि वो पत्थर के नीचे एक छोटा मुर्गी का जो है ना बच्चा था, जब वो पत्थर को मारने की कोशिश की गई हटाने की तो बच्चा भी सही सलामत वो पत्थर के नीचे से निकला, वो बच्चा मुर्गी का बच्चा मरा नहीं। ऐसी बहुत सारी करामत है नाज़रीन के, एक बार एक फैमिली यहाँ पे हाजी मलंग सरकार की बारगाह में आ रही थी, तो चल जो पांच पीर हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ता कितना ख़तरनाक था वहाँ का, तो वहाँ पे बच्चा जो है ना अपनी अम्मी का हाथ छोड़ के आ गया कि भाग रहा था, वो बच्चा खाई में गिर गया। तो खाई में गिरा तो जितने भी उन लोगों के फैमिली वाले थे सारे के सारे फैमिली वाले रोने लगे और हाजी मलंग सरकार पर जो है आकर इतना हाजी मलंग सरकार को बोल रहे थे कि आपकी दरबार में हम लोग आए और मेरा बच्चा खो गया, मेरा बच्चा मर गया, मुझे मेरा बच्चा चाहिए ये वो। तो नाज़रीन जब वो लोग ढूंढने लगे, हर तरफ ढूंढने लगे तो बच्चा जब कहीं नज़र नहीं आया, तो जब वापस से जब दरबार में जब लौट रहे थे तो बच्चा चौखट पर हाजी मलंग सरकार के बैठा हुआ था। ये इतना रोंटे खड़ा करने वाला वाकया नाजरीन। और एक एक वाकया अगर मैं बताती रहूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी करामत है और बेशक अल्लाह के वली जो होते हैं ना उनके हाथों में बहुत अल्लाह पाक पावर अता फरमाता है, बहुत ताकत रहती है उनके हाथों में। तो चलिए अब रवाना होते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो नाजरीन उतर गया मैं नीचे पहाड़ से और आप देख सकते हो पीछे गेट है, ये मैं उतरा हूँ दूसरी जगह से और गया था दूसरी जगह से। और माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ का पानी देखो, ये पानी नज़र आ रहा होगा शायद आपको। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया कुर्ला स्टेशन, जब वहाँ था तो ज़रा भी थकान नहीं हो रही थी, लेकिन अभी मुझे थकान फील हो रही है। शाहिद भाई को कॉल किया मैंने, वो लेने के लिए आ रहे हैं मुझे बाइक से,
तो इंतज़ार कर रहा हूँ कोटला स्टेशन के बाहर, मिलते हैं घर पे ही। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह आ गए जाहिद भाई मुझे लेने के लिए और जा रहा हूँ घर पे। मतलब एक मायूसी भी छाई हुई है चेहरे पे कि मतलब हाजी मलंग सरकार का दरबार छोड़ के मैं यहाँ पे वापस इतनी दूर आ गया, और खुशी इस बात की है कि आपको मैं ज़ियारत भी जो है वो कराऊंगा। तो अब घर पे जाके फौरन जो है नाश्ता करना है, खाना खाना है, सोना है, उसके बाद में बैठ के वीडियो एडिट करना है। और चलो मिलते हैं। अब डायरेक्टली आप ब्लॉग ही देख रहे होंगे शायद, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट तो बहुत अच्छे अच्छे करना, और शेयर तो लाजमी करना क्योंकि बहुत मेहनत लगी है ब्लॉग बनाने में, वीडियो देख के आपको मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए घर पे मिलते हैं। तो नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गया अच्छे से सही सलामत, घर वापस आ गया, नहा लिया, फ़्रेश हो गया, चेंज भी कर लिया। नाज़रीन अब मैं आपको बताता हूँ हाजी मलंग की शॉर्ट हिस्ट्री। हाजी मलंग सरकार का पूरा नाम है हाजी अब्दुर्रहमान मलंग शाह बाबा। तो नाज़रीन हाजी मलंग सरकार के साथ में तीन साथी आते हैं, हाजी बख्तावर शाह बाबा, हाजी सुल्तान शाह बाबा और हाजी मलंग शाह बाबा। तो ये तीनों नाज़रीन मदीने मुनव्वरा से आए थे, और एक रिवायत में आता है कि हाजी मलंग शाह सरकार सहाबी रसूल भी हैं और ताबिन भी हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे हाजी मलंग सरकार पहाड़ पे कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे, इसकी वजह ये है कि जब वहाँ कल्याण में जिस जगह पर अभी हाजी मलंग सरकार मौजूद हैं, वहाँ पे जब हाजी मलंग सरकार का वजूद नहीं था, जब वहाँ पे सरकार नहीं आए थे, उस वक्त वो जो इलाका है नाज़रीन वो मतलब जंगली जानवरों का था और जादूगरों का था, शैतानों का था। तो वहाँ पर जो है वो जो जादूगर लोग जो वहाँ पर होते थे, वो लोग इंसान को मार कर उनकी चर्बी को जो है गला कर जो है वहाँ पे चिराग जलाया करते थे, जो पहाड़ में आपको पता है बालनसार वो पहाड़ का नाम है वहाँ पे। तो हाजी मलंग सरकार को भेजा गया कल्याण में कि आप जाइए कल्याण और वहाँ पे जाके दीन फैलाइए, इस्लाम फैलाइए। तो हाजी मलंग सरकार चलते 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 कल्याण पहुँचे, और हाजी मलंग सरकार जब पहुँचे वहाँ पे अल्लाह की इबादत, तन्हाई में अल्लाह की इबादत करने लगे। और जब पहाड़ चढ़ रहे थे तो हाजी बख्तावर शाह बाबा ने अर्ज़ की कि हुजूर अब आगे चलने की मेरी हिम्मत नहीं है, ये जगह मुझे पसंद है, मुझे यहीं पर ही क़याम करने दीजिए। तो हाजी मलंग सरकार ने इजाज़त दी कि ठीक है, लेकिन जो मकसद से हम आए हैं वो मकसद हमारा पूरा होना चाहिए। तो हाजी बख्तावर शाह बाबा वहीं पर ही ठहर गए। अब दो बचे हाजी मलंग शाह सुल्तान, हाजी मलंग शाह बाबा और सुल्तान शाह बाबा, दोनों आगे बढ़ने लगे। तो एक मकाम और आया जहाँ पे सुल्तान शाह बाबा ने अर्ज़ की हुजूर मैं यहाँ पे क़याम करता हूँ। तो हाजी मलंग सरकार ने इजाज़त दी कि ठीक है, लेकिन जो हमारा मकसद है वो पूरा होना चाहिए। फिर हाजी मलंग सरकार जब ऊपर पहुँचे तो वो जो बालनसार जो पहाड़ आपने देखा नाज़रीन, वो बहुत ही ज़्यादा ऊँचा था, यानी कि चार तिहाई कुछ कहते हैं उसको, वहाँ इतना ऊँचा वो पहाड़ था। अल्लाह की बारगाह में हाजी मलंग सरकार ने दुआ की कि अल्लाह आसानी फरमा, और हाजी मलंग सरकार ने तीन मरतबा सदा लगाई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो ये सदा लगानी थी कि पहाड़ का जो तीन हिस्सा है वो ज़मीन के अंदर ढस गया और एक ही हिस्सा अब रह गया है जिसे बालनसार लोग कहते हैं। और हाजी मलंग सरकार की नाज़रीन कितनी करामत है, कितनी करामत है। आप वहाँ पे जाओगे कल्याण ना हाजी मलंग सरकार की बारगाह में, आपको अपनी आँखों से ही आप करामत देख लोगे, वो जगह ही समझ जाइए एक हाजी मलंग सरकार की करामत है वहाँ। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो में आपने देखा ही होगा कैसी कैसी करामतें वहाँ पर मौजूद है। तो कल्याण स्टेशन उतरना, कल्याण स्टेशन उतरोगे तो वहाँ से बाहर रिक्शा मिलता है, रिक्शा पकड़ लेना। अगर शेयरिंग से जाओगे तो 40 रुपीज़ या 45 रुपीज़ होता है, और पर्सनल जाओगे तो 200 या 300 अप्रोक्स होता है। तो वहाँ पे डायरेक्टली हाजी मलंग सरकार की सीढ़ी के पास वो लोग छोड़ देते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, अल्लाह पाक बस हमारी ज़्यारत को कबूल करे। मैं अकेला गया था पहली मरतबा, हालाँकि मैं 4 मरतबा जा चुका हूँ ऑलरेडी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, लेकिन जो इस मरतबा गया था तो ख़ास करके आप लोगों को ज़्यारत मुझे कराना था, इस वजह से मैं वहाँ पर गया था। तो बस अल्लाह पाक कबूल करे, और आपका सपोर्ट चाहिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो बनता है, और शेयर भी कर दीजिए। एंड का वीडियो तो आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह। तो बस दुआ खैर में अपने भाई को याद रखिए, जज़ाकअल्लाह खैर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।